हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने किसी भी आधार किसी भी जो फॉर्म होता है, देखिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अपना आधार ओपन कर लिया, तो उसमें सिग्नेचर वैलिडेशन का आता है, ये क्वेश्चन मार्क बना आता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको किस तरह से वैलिडेट करें, ये आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है गाइज, अब इसके लिए करना होगा सबसे पहले हमें इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बनाया आ रहा है इस पर डबल क्लिक करना होगा। ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट आएगा, उस देन उसके बाद हमें क्या करना है, सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखिए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके देन उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, इसे यस कर देंगे। जैसे ही हम यस करेंगे ये सिग्नेचर के लिए आएगा, इसे साइन इन कर लेंगे। देखिए मैंने सिग्नेचर का, हम यहाँ साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली साइन टू द डॉक्यूमेंट। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमें लोकेशन पूछेगा, हम इसे लोकेशन करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट करके सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे ट्रस्ट पर। ट्रस्ट पर जाने के बाद एट द ट्रस्ट सर्टिफिकेट, देन ओके, देन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट पर तीनों पर क्लिक कर देंगे। देन ओके, देन वैलिडेट सिग्नेचर करेंगे। ये देखिए वैलिडेट सिग्नेचर करते ही हमारा सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी पीडीएफ में हमारा जो भी क्वेश्चन मार्क आते हैं वैलिडेशन सिग्नेचर के लिए आते हैं, उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आल्सो कोई आपके अभी भी आपको इस वीडियो रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। गाइस, का हमारे चैनल पर काफ़ी सारी इससे रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड और जीएसटी से और इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, जिसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।